बायो एनर्जेटिक्स एक ऐसी विद्या है जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा के बीच संबंध को समझने पर केंद्रित है। ये सिखाती है कि हमारे शारीरिक आसन और गतिविधियां हमारे मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। बायो एनर्जेटिक्स का मानना है कि शरीर में ऊर्जा के अवरोधों को दूर करके हम अधिक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बायो एनर्जेटिक्स जीवन के दर्शन की ओर एक सही दिशा में कदम है। हालांकि यह भी पूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी बहुत पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। शरीर ही आधार है और मन पर किसी भी काम को शुरू करने से पहले शरीर में बहुत सारे काम की आवश्यकता होती है। फिर आत्मा पर कोई काम शुरू करने से पहले मन पर भी बहुत सारे काम की जरूरत होती है। जब तुम किसी ऊर्जा को रोकना शुरू करते हो तब तुम में ब्लॉक्स बनने लगते हैं। यदि तुम अपनी ऊर्जा को रोकते हो वही ऊर्जा जमने लग जाती है, पत्थर की तरह हो जाएगी और वह पत्थर शरीर के चारों ओर एक कवच बना देता है। बायो एनर्जेटिक्स के लोग तुम्हें चारों ओर बने उस पत्थर जैसे कवच को नष्ट करने का काम करते हैं। तुम प्रेम करना चाहते थे लेकिन किसी तरह तुमने इसे रोक दिया। जो ऊर्जा बाहर जा रही थी वह स्रोत में वापस नहीं जा सकती, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम क्रोधित होने वाले हो और ऊर्जा हाथ में आ गई है किसी को थप्पड़ मारने के लिए और तुम थप्पड़ नहीं मारते बल्कि मुस्कुराते रहते हो तो ऊर्जा हाथ द्वारा बरकरार रखी जाएगी, ये वापस नहीं जा सकती, कोई रास्ता नहीं है। वह ऊर्जा हाथ पर भारी बोझ बन जाएगी, ये हाथ की सुंदरता को नष्ट कर देगी, ये तुम्हारे हाथ को मृत बना देगी। इसलिए जब भी कोई ऊर्जा उठती है उसके साथ जाओ। यदि ये कुछ ऐसा है जो किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, उदाहरण के लिए यदि ये क्रोध है तो अपने कमरे में जाओ, एक तकिए को पीट डालो, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है उस ऊर्जा के साथ। अगर ऊर्जा से क्रिएशन नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ऊर्जा कुछ ना कुछ लक्ष्य पूरा करेगी। किसी के प्रति विनाशकारी होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के प्रति हिंसक ना बनो, लेकिन तुम एक तकिए के साथ हिंसक हो सकते हो। इससे तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी और तुम्हें एक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा। कभी भी किसी ऊर्जा को अंदर ना रखो। जब तुम जीवन को ऊर्जा दे रहे होते हो जीवन तुमको ऊर्जा वापस देता रहता है। ये एक इनर इकोलॉजी है, ऊर्जा एक चक्र में चलती है। जीवन तुमको देता है तुम इसे वापस देते हो, जीवन तुमको और देता है तुम इसे और देते हो और चक्र जारी रहता है। ये नदी के प्रवाह की तरह है जो समुद्र में मिलती हैं फिर बादलों में चली जाती हैं और फिर पहाड़ों पर बारिश होती है और फिर से नदी में बहती है फिर समुद्र में और चक्र जारी रहता है। कहीं भी कोई अवरोध नहीं है, लेकिन मनुष्य अवरोध बना सकता है और फिर पूरे शरीर में कहीं प्रकार के ब्लॉक्स का उदय होगा। ये ब्लॉक्स मानवता के दुश्मन है, इसे नष्ट किया जाना चाहिए। ऊर्जा का स्वभाव है बहना, क्रिएट करना। ऊर्जा को तुम पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते, ऊर्जा के साथ बह सकते हो, उस पर एक लहर की तरह सवार हो सकते हो। इस ऊर्जा के विज्ञान को समझना अपने जीवन की संभावना को जीना है और अपने चरम अवस्था में खिलना है। प्रणाम।